विस्फोरण में थरिला दिल्ली। शक्तिशाली विस्फोरण दिल्ली में सृष्टि करिछि आतंकर वातावरण। रविवार सकाळे दिल्लीर रोहिणी अंचल में थिबा सीआरपीएफ स्कूल निकट में होइथिला शक्तिशाली विस्फोरण। सिलिंडर ब्लास्ट भली प्रचंड विस्फोरण शब्द से सारा अंचल थरी उठिथिला। प्राय 10 मिनिट पर्यंत समग्र अंचल में धुआं भरी जाइथिला। स्कूल पाचेरी आंशिक भाव भांगी जाइथिबा बेले पाखरे थिबा किछि दुकान घर क्षतिग्रस्त होइथिला। पाखरे थिबा किछि गाड़ी मध्य क्षतिग्रस्त होइथिला। तेबे विस्फोरण में कहीं मृताहत होता बेले घटनास्थल में दिल्ली पुलिस एनआईए एनडीआरएफ टीम पहुंची आरंभ कर तदंत। एनएससी कमांडो माने घटनास्थल में पहुंची समग्र अंचल को कर्डन कर रखिछंती। टेरेस पे जब मैं वीडियो बना रहा था तो एक बहुत ही तेज इंटेंसिटी का ब्लास्ट हुआ, तो मतलब इवन मेरा पूरा घर हिल गया था, तो आई वाज प्रीटी शॉक्ड। तो मैंने जब दूसरी तरफ देखा तो जो स्मोक था वो बड़ा ही बहुत डिफरेंट तरह का स्मोक था। मैंने ऐसा पहले कभी देखा नहीं है। तो पहले मेरे को लगा कि वहां पे ईटरीज की शॉप है, खाने पीने की शॉप्स है, तो कोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा, बट ऐसा नहीं। वो गैस सिलेंडर ब्लास्ट का भी धुआं ब्लैक कलर का होता है, वो पूरा प्योर व्हाइट कलर का धुआं था और ब्लास्ट इंटेंसिटी बहुत स्ट्रेंज थी। वो वाइब्रेशन हो गए थे, धुआं हो गया था, एकदम फटते ही भड़म जैसी आवाज आई। कहीं भी किसी को आपने देखा कोई संदिग्ध? नहीं कोई। फिर आप वहाँ गए उसके बाद? नहीं। पूरे याद है, सारे कांच हुए पड़े सारे। आप क्या काम करते हैं? मैं गार्ड का। विस्फोरण खबर पाइबार किसी समय मध्य घटनास्थल में पहुंचीला दिल्ली पुलिस एक टीम। तीव्र गंधरे भरी जाइथिबा विस्फोरण स्थल मिलिथिला किछि धड़ा पाउडर। दिल्ली पुलिस साइंटिफिक टीम में नमूना संग्रह कर तदंत आरंभ करथिबा बेले एनआईए टीम तदंत में सामिल होइछंती। किए काहींकी एही विस्फोरण घटाई ता स्पष्ट हो नथिले खूब शीघ्र एहार पर्दाफाश हेब बोली कहिसंती दिल्ली पुलिस लोक संपर्क अधिकारी संजय त्यागी। सेपटे विस्फोरण पर तेजी राजनीति। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता घटनास्थल परिदर्शन कर आईन श्रृंखला परिस्थिति उपरे दिल्लीर आप सरकार को दायी करथिबा बेले केंद्र सरकार को दायी करिसंती आप नेता मनीष सिसोदिया। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स स्पॉट पे तुरंत पहुंच गए थे। क्राइम टीम, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स, स्पेशल सेल, सभी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी मौके पे हैं। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, धमाके के कारणों की जाँच और कैसे ये हुआ। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट देना ठीक नहीं होगा क्योंकि अभी जांच जारी है। आम आदमी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि वो हर चीज पर राजनीति करने की कोशिश ना करें। संवेदनशील मुद्दों पर भी अगर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करेंगे तो लोग आपकी इस गंदी राजनीति को समझ चुके हैं। और घटना को घटित हुए भी लगभग 2 घंटे 8-7 घंटे हो चुके हैं। अभी तक एक भी आम आदमी पार्टी का नेता, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री ये देखने नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। तो एक तरफ तो आप बिल्कुल इससे कंसर्न नहीं, आपके पास इतना भी टाइम नहीं है। दिल्ली में एक धमाका होना ये बताता है कि हमारी केंद्र सरकार किस तरह से हाथ पे हाथ रख के बैठे हुई है। उनको दिल्ली वालों की कोई चिंता नहीं है, कतई चिंता नहीं है। उनको दिल्ली की कानून व्यवस्था की, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की, दिल्ली में इंटेलिजेंस की उनको कोई चिंता नहीं है। पूरी तरह से ये केंद्र सरकार का फेलियर है। ये बताता है आज का ये धमाका केंद्र सरकार की पूरी लापरवाही है दिल्ली के लोगों के प्रति। स्कूल निकट में विस्फोरण दिल्ली आईन श्रृंखला स्थिति सृष्टि करिछि चैलेंज। किए काहींकी ओ किपरि एभली शक्तिशाली विस्फोरण घटाइला सेनी तदंत चलिथिबा बेले खूब शीघ्र यार पर्दाफाश करिवे तदंतकारी संस्था। ब्यूरो रिपोर्ट, कलिंग टीवी।